नमस्कार दोस्तों, फिर से मेरे नए वीडियो में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भागलपुर बड़हरवा रेल मार्ग के अंतर्गत साहेबगंज स्टेशन पर एनआई का काम चल रहा था, जहां पर जो जितनी भी ट्रेन थी जो पीरपति साहेबगंज होकर चलती थी वह सारी ट्रेन रद्द कर दी गई थी और कुछ ट्रेन जो साहेबगंज तक जाता था उसे पीरपति तक चलाया जा रहा था। इसके बाद कई सारी ऐसी ट्रेन थी जो जिसके मतलब कि जो डाइवर्ट करके यानी कि दूसरे रूट के माध्यम से उन सब ट्रेन का परिचालन हो रहा था। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले गाइस, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर ले, क्योंकि गाइस इस चैनल पे हमेशा रेलवे से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूं। तो चलिए गाइस, आज का वीडियो शुरू कर ले। भागलपुर बड़हरवा रेलखंड में साहेबगंज स्टेशन पर चल रहा एनआई का काम समाप्त हो गया है, जिसके वजह से कई ट्रेन रद्द किया गया था और कुछ का मार्ग बदल कर चलाया जा रहा था। अब वो सारी ट्रेन अपने नियमित समय और मार्ग से चलने लगी है। बड़हरवा भागलपुर रेलखंड के साहेबगंज स्टेशन पर रेल ब्लॉक खत्म हो गया है। रेल ब्लॉक के कारण रद्द की गई साहेबगंज जमालपुर मेमो, साहेबगंज भागलपुर स्पेशल, रामपुर हाट गया पैसेंजर और जमालपुर रामपुर हाट पैसेंजर का परिचालन शुक्रवार से शुरू हो जाएगा। वही दानापुर साहेबगंज इंटरसिटी अब पीरपैंती की जगह साहेबगंज तक जाने लगी है। गया हावड़ा एक्सप्रेस, जयनगर हावड़ा एक्सप्रेस और ब्रह्मपुत्र मेल का परिचालन भी अब भागलपुर साहेबगंज होकर होने लगा है। यानी कि दोस्तों, मैं आप लोगों को साफ साफ ये बता दूं कि जितनी भी ट्रेन रद्द की गई थी अब वह सारे ट्रेन का परिचालन फिर से शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, यही एक छोटी सी जानकारी थी। उम्मीद करते हैं कि आज का इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो प्लीज गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को ऑल प्रेस कर ले, क्योंकि ऐसे चैनल पर हमेशा रेलवे से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहता हूं। तो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।